कल्चर जैनों की अनमोल संपत्ति है। हर मंगल आयोजन पर, धार्मिक आयोजन पर, शुभ कार्य पर इसी मंगलाचरण को हम चित्रित करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि कर्मवरों की निद्रा के लिए यह मंगल स्मरण है, यह है मंगलाचरण। अक्टूबर 2018 में आचार्य श्री पुष्पदन जी के शिष्य मुनि श्री सौरभ सागर जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मंगलम पुष्पदंताद्यो विस्मरण से स्मरण की ओर सामने आई, जिसके विमोचन के लिए उन्होंने 10-15 विद्वानों को बुलाया भी। कुछ उनमें से आने से मना कर गए और कुछ ने उपस्थिति दर्ज कराकर इस पुस्तक से हाथ खींच लिए। अब वहां उन्होंने लिफाफे लिए या नहीं यह विषय अलग है, परंतु इसमें कुंद कुंदादेव बनाम पुष्पदंताद्यो का एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले हम मुनि श्री पुंगव सागर जी के पद को ले चलते हैं, जिनसे जिज्ञासा समाधान में मंगलाचरण को बदलना चाहिए, छेड़छाड़ होनी चाहिए, सत्य को सामने लाना चाहिए, इस पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आखिर में सिर्फ ये शब्द कहा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और उन्होंने कहा क्या, आप और हम एक बार सुन लेते हैं। सर्वथा अनुचित, क्योंकि आप अपना नया श्लोक बना सकते, लेकिन किसी पुराने श्लोक में छेड़छाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है, ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है, वो दंडता है। इसमें मंगलम पुष्पदंतायो सब गलत है, कोई का भी नाम हो, शराब को इस बारे में पुष्पदंत का हो, चाहे और किसी अन्य का हो, यहाँ तक कि भगवान महावीर का हो या किसी का हो, इसमें शराब को क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसको उच्चारण में नहीं लाना चाहिए। विरोध करने का अर्थ क्या कर सकते, यही है, कोई भी हो, मंगलम भगवान वीरो मंगलम, उसमें ऋषभ देव का नाम भी नहीं जोड़ना चाहिए, पारसनाथ का भी नहीं जोड़ना, क्योंकि लेखक ने जिनका नाम जोड़ा है उन्हीं का रखो ना। आप नया श्लोक बना लो अजितनाथ के नाम से, उसमें लिखा है भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाद्यो, तो कुंद कुंद गौतमोगणी, तो गौतम गणधर का ही नाम लिखा है, अन्य गणधर का नाम नहीं लिखा। तो हमें किसी भी प्राचीन श्लोक के साथ कोई छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। आप अपना नया श्लोक बनाएं, नई बात करें, पुरानी टेबल पर अपना नया माल क्यों बेचना चाहते हो। इसमें अगर साधु नहीं मानते फिर क्या करना चाहिए। अब देखो, कुछ नहीं मानते, यदि चोर चोरी करने से नहीं मानता तो क्या करोगे, नहीं मानता है तो बस कुछ नहीं कर सकते। पंचम काल का प्रभाव है ना सर। हाँ, मैं समझ गया, सब समझ रहा हूँ, लेकिन यही उपाय है, अपन उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। कोई कहता रहेगा इसका वो है, मान लिया मैं छोटा आदमी, मैं जो है उसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने समिति बना दी, अध्यक्ष बना दिए, वो उसका समर्थन करते हैं, तो मैं क्या करूँ इस संबंध में। बस यही है, जिसकी जैसी मति हो जाती है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, यही बस बात। मंगलाचरण को बदलकर या यूं कहे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर उसे सही सिद्ध करने का दावा किया गया है। वही मूल मंगलाचरण को फूल मूल नहीं नकल, प्राचीन नहीं 200 वर्षों का बस, शिलालेख को बदलकर प्राचीन बनाने का भी दावा किया गया है। यहां पर आप स्पष्ट कर दें, पहले आचार्य श्री पुष्पदन जी, आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य, दोनों ही सभी के पूजनीय वंदनीय थे, वंदनीय हैं और हमेशा वंदनीय रहेंगे। 19-20 का फर्क नहीं है दोनों के बीच में, पूर्वाचार्य दोनों ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन एक को बैठाने के लिए दूसरे को नीचे कर देना, यह शायद सही नहीं लगता। उन्होंने एक कुंद कुंद आचार्य का मंगलाचरण बदलने के लिए, पुष्प दंताद्यो जोड़ने के लिए कुंद कुंद आचार्य के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए, इतिहास की कई बातों को पलटने की कोशिश की, कहा गया शिलालेख पलटे गए, बहुत बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने इस बारे में। मुनि ने ताल ठोकते हुए मानो सभी साधुओं विद्वानों को सीधी चुनौती सी दी है, यह कहते हुए, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो मात्र अंधेरे से है, हवा बेवजह ही मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो कि खुद को अजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने मुनि श्री सौरभ सागर से 38 सवाल पूछे, आखिर वे बदलना क्यों चाहते हैं इस पर। उन्होंने जवाब भी दिए और उनको हमने स्पष्ट कर दिया कि यह हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यह हम और साधु संतों विद्वानों से ही पूछेंगे और फिर इसका निर्णय करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, निर्णय हम नहीं करेंगे, निर्णय करेगा वह संत विद्वान और समाज, यह फैसला उसी पर छोड़ देते हैं।
एक ही जगह। अब वही महाराज जी, मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये प्रश्न मैं आपसे करूंगा महाराज जी, फिर जो आपके जवाब होंगे, मैं जिन्होंने मुझसे कहा है मैं उनसे भी जाके वही जवाब लेकर प्रश्न करूंगा कि आपने ये कहा है, जवाब दिया। ये मेरी पूरी कथानक है। आप इस बारे में महाराज जी किसी और से चर्चा करेंगे, कुछ खुल के आए सामने, सत्य क्या है? आप कहीं चर्चा, क्योंकि मैं तो जाने सकता कहीं। इस पूरे प्रकरण को हमने 3 एपिसोड में बांटा है, मंगलाचरण से शुरू कर कुनकुन आचार्य तक, जिनके नाम, गुरु, ग्रंथों सभी पर सवालिया निशान ही लगाया, बल्कि उनकी गुरु परंपरा को शीतलाचारी, उनके पूर्व जन्म की कथा को मनगणंत असत्य कथा, तथा उन्हें स्वाध्याय सामायिक आदि तक का ज्ञान न होने की बात तक कही है। उनके 5 नामों पर तो व्यंगात्मक टिप्पणी तक की गई है। अक्टूबर आखिर से लेकर अब तक 6 महीने हमने इस पर गंभीर चिंतन मनन किया, क्योंकि कई महाराजों ने हमें कहा कि इस पर कोई चर्चा मत करो, मित्रों कोई चर्चा मत करो, बात दब जाएगी। लेकिन बात दबाने से कोई फैसला नहीं निकलता, पता नहीं कब फूट के विस्फोटक बन जाए। वह महावीर भगवान की जो है जन्म स्थली पर इसी तरह का विवाद हो रहा है, एक नया विवाद हो जाए, कुछ पंथ के अंदर पंथ बट रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी कुंद आचार्य और पुष्पदंत आचार्य में ना बट जाए। इसलिए हमने फैसला किया कि इसको सामने लाना ही होगा और सत्य को सामने दिखाना ही होगा कि सत्य क्या है। फैसला आप लोग ही करेंगे। आपने माना दिगंबर श्वेतांबर बदल हम बट गए, 13 पंथ 20 पंथ बट गए, पंथ से संत संत बट गए। लगता नहीं ये पुंद बंद पुंद पुष्प दंडाते और पुंद ने हम एक और विचारधारा में मतभेद कर रहे हैं, एक और बंटवारा कर रहे हैं हम जिनवाणी का। देखिए सत्य की तरफ झुकना चाहिए या झूठ की तरफ? सत्य झूठ तो भी बड़ी बना है, दो में सूत्र, सत्य की तरफ झुकना चाहिए, जो सत्य है उसको सत्य रहना चाहिए। हाँ? जो सत्य है उसको सत्य रहना चाहिए। वस्तु पड़ी हुई है वो कीमत नहीं है। आप कौन से धर्म के अनुयायी हैं? जिन धर्म के, ठीक है, जिन धर्म में सत्यता क्या है यही तो स्वीकारा जाएगा। हम तो ये नहीं कह सकते ना कि 363 मारीची ने चला वो महत्वपूर्ण, आदिनाथ का तो एक ही धर्म है वो महत्वपूर्ण, 363 का नाम अगर फैल गया है तो आदिनाथ तो आपके नेगलेक्ट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, तो 363 ही नेगलेक्ट हुए ना। हाँ हाँ, खत्म काम। तो क्या ऐसे ये जो चल रहा है 363 धर्म में से एक मान रहे हैं? मैं 363 उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, उदाहरण को पकड़ करके विवादास्पद भी बनाया जा सकता है। मुनि सौरभ सारंगी से जब मिले, उन्होंने इस मंगलाचरण को बदलने के लिए अपनी उंगली उठाने के लिए सबसे पहले उन्होंने चोट की आचार्य श्री कुनकुंद आचार्य पर। कुनकुंद के नाम को उन्होंने, उनके गुरु को, उनके ग्रंथों को सब पर उंगली उठा दी, सबको विवादित कर दिया, कह दिया सब ही झूठ है, असत्य है सारा सब कुछ। और चैनल महालक्ष्मी ने इसके लिए उनसे प्रश्न भी किया। नकल को बनाया सरल में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि महज 200-300 वर्षों पहले ही इस किसी अज्ञात लेखक ने स्मृति की मंदता, अश्रद्धा, अनभिज्ञतावश हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंगलाचरण की नकल करके इसे बनाया। गजब तो इस बात का है कि स्वयं 23 पुस्तकों के रचयिता ने भी नया मंगलाचरण श्लोक लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि उसी को तुर्ण मनोकर पेश किया और कह दिया कि अब हो गया ओरिजिनल। कहते भी बड़ी अजीब बात है, उन्होंने कहा कि मंगलम पुष्पदंतात्य इसलिए लिखा है कि सबसे पहले लिखित इनका लिखा गया है, लेकिन वहां पर अगर कहा जाए तो सबसे पहले भगवान महावीरों की जगह फिर बात तो भगवान आदिनाथ आनी चाहिए, गौतम गर्दन की जगह गर्दन ऋषभ सेन का नाम आना चाहिए था। वह बात करने पर वह पलट जाते हैं। चैनल महालक्ष्मी ने उनसे पूछा भी कि ओरिजिनल क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने क्या कहा? इतना वाद विवाद तो महाराज जी, नए मंगलाचरण की मूल रचना क्यों नहीं हुई? हमने नकल करी, स्वीकार लिया आपने, हमने कॉपी कर ली, कॉपी कट पेस्ट कर दिया, लेकिन आपने उसमें कट पेस्ट एक छोटा कट करके पेस्ट कर दिया आपने भी, क्यों नई रचना नहीं की फिर? रचना तो 108 कर लो जी, लेकिन नहीं करना। कारण? अगर जब विवाद वाली चीज है, जहां दलदल है, दलदल नहीं गलत स्वीकृति है, उसी में हमारी अभिव्यक्ति है। गलत स्वीकृति अभिव्यक्ति वो आपका है, ग्रहित मिथ्या तो जैसा होता है वो तो सब में होता है, हमें इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता अगर होती इसमें वो पंक्ति भी लिखी हुई है, सफलता असफलता मान्यता अमान्यता लिखा है, वो भी लिखा है, वो तो अलोन बिलोन से निकलेगा। सफलता सत्य की स्वीकृति है, विफलता अतीत की धारणा है, क्योंकि सब समझ रहे, मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है, सत्यता नहीं है, सत्यता नहीं। पुरानी मंगलाचरण को सही ना कहते हुए उन्होंने प्रश्न 36 पर किस भाषा के रूप में क्या कहा, यह भी एक सोचने का विषय है कि भाषा को हमने कहां असंयमित कर दिया, यह देखिए। और हमने इस बारे में प्रज्ञा सागर से सवाल करके पूछा, उनका यह कहना है महाराज जी, सत्य को स्वीकार नहीं करने वालों द्वारा निर्मित कीचड़ गटर का कीचड़ है, जो मात्र भाग दुर्गंध देगी,
भीतर ही बंद रह जाएगी और उससे उत्पन्न जहरीली गैस मौत भी दे सकती है। जहां कीचड़ रहेगी वहां वह सारे वातावरण को प्रदूषित भी करेगी। उनका कहना है इस मंगलाचरण को हम नहीं बदल रहे, उससे यह रिजल्ट आ रहा है। क्या ये लगता है सही है? मुझे लगता है हमने बहुत सही कहा, हम सत्य को ही स्वीकार कर रहे हैं और सत्य यही है कि कुंद कुंद आ रहे हो। सत्य यही है, मूल आना है कि कुंद कुंद प्रस्थापक हुए, प्रतिष्ठापक हुए और उन्होंने जिन शासन की रक्षा की और महान कार्य किया। पुष्पदंत आचार्य भी जिन्होंने यह हमारे लिए लिपिबद्ध करके एक महान काम किया, उनका भी एक अपना उपकार है। पुष्पदंत आचार्य का भी महान उपकार है, पर कुंद कुंद का जो महान उपकार है वो सिर्फ लेखन का ही महान उपकार नहीं है। उन्होंने जो संस्कृति की रक्षा की और चूंकि वो आमनाएं उनकी आगे तक चली, उनकी जो परंपरा आगे तक शिष्य पट्टावली आदि चली, इसलिए वो सर्वमान्य है। सीधी सी बात है, पुष्पदंत आचार्य हमारे लिए इतने मान्य हैं कि हम उनके सुखपंचमी मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनका तो विरोध ही नहीं है कहीं। तो फिर कुंद कुंद का विरोध किस बात का जो परंपरा से चले आ रहे हैं? तो इसलिए सत्य हम स्वीकार करते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ही क्या बोलते कि महावीर स्वामी गौतम गढ़धर के बाद जिन्होंने क्या बोलते जिन धर्म की जिन शासन की रक्षा की, इस बात को सत्य स्वीकार करते हैं। और जो इस बात को सत्य स्वीकार नहीं करता है वो गटर के कीड़ा जो उदाहरण दिया है वो तो लागू हो जाता है। मुनीश्वर सौरव सागर जी इस मूल मंगलाचरण को प्राचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि यह अज्ञान अहंकार और दुराग्रह के प्रसूत, इसे मिथ्या मानते हैं। वे प्रश्न खड़ा करते हैं कि मूल में तो यह मंगलम पुष्प दंतादियो ही होना चाहिए। यह वाक्य के कुछ लोगों के लिए इस लाल वस्त्र के समान है जिसे देखकर सांड भड़क जाता है। यहां पर अपने वाक्य को तो उन्होंने लास्ट वस्त्र कहा, पर सांड किसके लिए कहा यह आप सोचिए। चैनल महालक्ष्मी ने इस बारे में 9 अन्य संतों से भी बात की, पर सभी ने एक मत से इसे इनकार भी किया। अब आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी इस बारे में क्या कहा एक बार पहले वह सुन लीजिए। मंगलाचरण को बदलना क्या ठीक है? कोई भी बदले क्या सही परंपरा होती है क्या? किसी भी आचार्य के शब्द को अपने आप बदल नहीं सकते हैं आप। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध बनता है, किसी के छंद में किसी के नाम को निकाल लेना। जैसे आजकल लोग क्या बोलते तुमसे लागी रगन गाते हैं और पंकज व्याकुल हुआ तो पंकज शब्द निकाल देते हैं। गलत बात, सेवा शब्द ले आते हैं, नाथू राम निकाल देते हैं बिना पाठ से वहां पे किसी। तो ये तो निहन्नव नाम का दोष लगा कि किसी की कृति के उससे नाम निकाल देना महापाप है। माने कितनी बड़ी मायाचारी है, अनंतानंदी वाली मायाचारी होती है। किसी के नाम को छपाना, किसी के नाम को निकालना, ये अनंतानंदी कसा है, मिथ्या दृष्टि की भावना होती है। और ऐसे ही कुंद कुंद के नाम को निकाल करके किसी अन्य के नाम डालना अपनी कसायवत, ये मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाला जीव होता है। आज कुन कुन भारती में आचार्य श्री सुश सागर जी से मिलने चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची, उनसे पूछा कि यह श्लोक बदलना चाहिए या नहीं, क्या कहा उन्होंने? मंगलाचरण बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? देखो हमारे परंपरा कुंद कुंदाद्यो ही बोलने का है, परंपरा चल रही है और शिलालेखों में लिखा है, आपको सारे चीजें दिखाया कि उसके पीछे क्या कारण है जी। इसी वजह से कुंद कुंद आचार्य का नाम शुरू से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनको हम उनको विरोध करेंगे तो लोग भी हमारे विरोध करेंगे। अगर हम कुंद कुंद आचार्य के विरोध करेंगे कि क्या पंडित लोग विद्वान लोग चुप बैठेंगे? आप जवाब दीजिए। ठीक बात है। क्या और महाराज लोग चुप बैठ जाएंगे? साधु संत है। इसके अलावा कांदी स्वामी वाले तो उन्हीं को मानते हैं, वो और ज्यादा कड़े हो जाएंगे। तो हमें इस तरीके के वाद विवाद वाले चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए। कुंद कुंद आचार्य के पूर्व जन्म व पांचों नाम काल्पनिक असत्य है। कुंद कुंद व पदम नंदी एक नहीं दो अलग अलग नाम है, यह भी वह दावा करते हैं। कुंद कुंद आचार्य को स्वाध्याय सामायिक आदि तक का ज्ञान नहीं था, यह भी बड़ी बात गलत तरीके से वह कह देते हैं। विदेह में तो कभी गए ही नहीं, शिलालेखों को उनके लिए पलट दिया गया। वर्तमान के विद्वान एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के सभी साधु विद्वानों को शावक को तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, यह भी दावा उन्होंने इस पुस्तक में किया है। चैनल महालक्ष्मी ने दिल्ली NCR में विराजित प्रमुख 8 संतों से और देश के प्रमुख 9 विशेष श्रेष्ठतम विद्वानों से इस बारे में चर्चा की।
सभी ने एक सिरे से इस बात को नकार दिया कि मंगलाचरण को बदलना चाहिए, लेकिन इस बारे में हम चर्चा अभी और आगे रखेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी कैमरे पर आकर यह नहीं कहने को कहा, क्योंकि वे कहते हैं इससे आपस में ही झगड़ा बढ़ जाएगा। यानी आज कोई संत दूसरे संत के सामने अगर गलती होती है तो उस गलती के सामने बोलना भी नहीं चाहता। हमने इसको 3 एपिसोडों में आपके सामने आ रहे हैं, वह आप देखिएगा।